नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कायोत्सर्गाय तांगो जयति दिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा। मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः। चक्रम कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमोदाश्चिवात्। सूर्यत्सध्यानुबन्धे रिव रुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। मध्यात्मा, मैं आज एक विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ कर पर प्रकाश डालूंगी। उस ग्रंथ का अध्ययन आपको कराऊंगी संक्षेप में, सार रूप में। भव्यात्माओं, ये ग्रंथ इतनी महिमा को लिए हुए है, इतना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का ही ये प्रसाद कि मैं आपको आज ज्ञानवती के रूप में दिख रही हूँ। इस ग्रंथ का मैं इतिहास आपको सुनाऊँ, और इसका नाम है पद्मनंदी पंचमी शतिका। हजारों वर्ष पूर्व एक पद्मनंदी नाम से आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें 25 अध्याय उन्होंने विभक्त किए हैं, इसलिए इसका नाम है पद्मनंदी पंचमी शतिका। ये ग्रंथ, इसमें क्या भरा हुआ है, अमूल्य ग्रंथ है, करोड़ों करोड़ों रुपए से अधिक मूल्यवान ग्रंथ, अमूल्य। इस ग्रंथ की विशेषता मैं आपको बताऊं। मेरी माँ, जिनका नाम मोहनी देवी, उनके विवाह में महमूदाबाद के श्रेष्ठी लाला सुखपाल दास जी, जो एक अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान रहे हैं और जो सभा में शास्त्र पढ़ा करते थे, सामान्य व्यापारी भी थे, ऐसे श्रेष्ठी सुखपाल दास जो अपनी कन्या का विवाह कर रहे थे, अपनी कन्या मोहिनी, उसके विवाह में उन्होंने वो ग्रंथ अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को दहेज में दिया था। ये पद्मनंदी पंचमी शतिका ग्रंथ दहेज में दिया था। छोटे लाल जी, जो कि टिकैत नगर के निवासी नौबत राय के सुपुत्र धन्य कुमार जी, उनके सुपुत्र छोटे लाल जी, उनके छोटे लाल के साथ जिस कन्या का विवाह हुआ, मोहनी कन्या विवाहित होकर के दहेज में इस ग्रंथ को प्राप्त करके टिकैत नगर आ गई। भव्यात्माओं, इस ग्रंथ को उस मोहिनी कन्या ने, जैसा कि मुझे बताया कि उन्होंने घर में भी इसका स्वाध्याय किया था और कुमारी अवस्था में इसका स्वाध्याय करके नियम किया था कि विवाहित होने के बाद मैं प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को और पर्व के दिनों में तीर्थों पर या तीर्थ यात्रा में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। बचपन में ही जिन्होंने नियम ले लिया था कौमार अवस्था में, गृहस्थाश्रम में आकर उन्होंने इसका पालन किया। इस ग्रंथ को दहेज में प्राप्त करके उनका यह नियम रहा है कि मैं इस ग्रंथ का स्वाध्याय किए बगैर पानी नहीं पीऊंगी। प्रतिदिन स्वाध्याय करती थी, मंदिर जाकर आकर दर्शन करके आकर स्वाध्याय करती थी। उन्होंने कन्या रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मैना, जो कि मैं। और बचपन में, छोटी उम्र में ही, जब मैं पढ़ने लग गई और अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण कर रही थी 7-8 वर्ष की उम्र में, तो मुझसे वो कहती कि बेटी, मैं शुद्ध कपड़े पहनकर रसोई बना रही हूँ, तू ग्रंथ लेकर के बैठ जा और ऐसे ऐसे मंगलाचरण बोलो, 9 बार नमोकार मंत्र जपो, मंगलाचरण पढ़ो, ओंकारम विद संयुक्तम नित्यम ध्यानत योगिना आदि मंगलाचरण पढ़ो, मंगलाचरण पढ़ करके इस ग्रंथ को मुझे सुनाओ। आज भी मुझे स्मृति है कि मैं माँ को इस पद्मनंदी पंचमी शतिका के पहले श्लोक सुनाती, संस्कृत के श्लोक, पुनः उसका अर्थ पढ़ के सुनाती, और मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत प्रिय लगता। तो माँ तो एक श्लोक दो श्लोक पढ़ के संतुष्ट हो जाती, कहती बेटी बस बंद कर दो, मैं अपने काम में हूँ, मैं बंद कर देती। पुनः मुझे उसका इतना स्वाद अच्छा लगा, इतना आनंद आया, इतना अमृतमय आस्वाद
कि मैं उसे बार बार उठाकर दिन में भी कई बार उसे पढ़ती, तो मेरी माँ को मैंने कई बार इस ग्रंथ को सुनाया और साथ ही मैंने 5-7 बार इस ग्रंथ का पूरा अध्ययन किया, ठीक से पढ़ती रहती थी 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर के, और 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने तक मैंने बराबर इसका अध्ययन चालू रखा है। कभी थोड़ा कभी बहुत पढ़ते ही रहती थी। इस बीच में अनेकों और भी पुस्तकें पढ़ी इसकी सहयोगी, जैसे दर्शन कथा, सील कथा, जम्बू स्वामी चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, धन्य कुमार चरित्र आदि भी पढ़े। भव्यात्मा, इस ग्रंथ के पढ़ने में, इसमें धर्म का उपदेश तो है, पहला अध्याय ही धर्मोपदेशामृत नाम का है, तो इसमें धर्म का उपदेश रूपी अमृत तो भरा ही है। साथ ही इसमें श्रावक धर्म, मुनि धर्म, रत्नत्रय धर्म, दशरक्षण धर्म और उसके साथ साथ अध्यात्म, एकत्व सप्तति, अनित पंचाशत, जिसमें अनित भावना का बहुत सुंदर विवेचन, एकत्व सप्तति जिसमें आत्मा एक है, अकेला है इत्यादि का वर्णन, और परमार्थ विंशति आदि में आत्मा चित्त स्वरूप भगवान आत्मा, सद्बोध चंद्रोदय आदि, ऐसे अनेक अधिकार ऐसे ऐसे हैं, और भक्ति के भी अधिकार हैं। भक्ति के अधिकार, भगवान ऋषभदेव की स्तुति है, भगवान शांतिनाथ की स्तुति है, सिद्धों की स्तुति है आदि, तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी कि अवश्य आप लोग इस पद्मनंदी पंचमी सदका का स्वाध्याय अपने जीवन में अवश्य करें। इसका मतलब यही नहीं कि आप दीक्षा ही ले लेंगे, कम से कम दीक्षा की भावना करें। आप सदगृहस्थ बनेंगे, महिलाएं जो इसका स्वाध्याय करेंगी सदगृहिणी बनेंगी, नारी रत्न बनेंगी, कन्याएं स्वाध्याय करेंगी कन्या रत्न बनेंगी। भव्यात्माओं, इस ग्रंथ का स्वाध्याय, इस ग्रंथ का चिंतन, मनन, पठन पाठन मेरे जीवन का तो वरदान है, मेरे जीवन में वरदान बना है, मेरी माँ के जीवन में वरदान बना है। गृहस्थावस्था में मोहिनी माता ने अपने 13 संतान को जन्म दिया और उन सबको बचपन से ही अपने स्तनपान के साथ दूध पिलाते पिलाते उन्होंने धर्म अमृत पिलाया और उसके साथ गृहस्थधर्म का कुशल संचालन करते हुए, सफल संचालन करते हुए, गृहस्थधर्म का पालन करते हुए सदगृहिणी के रूप में उन्होंने अपनी संतान को संस्कारित किया। गृहस्थावस्था के मेरे पिता छोटेलाल, हमेशा उन्होंने भी स्वाध्याय किया, बिना देवदर्शन के भोजन नहीं किया जब तक शक्ति रही है, अस्वस्थ अवस्था में भले ही छोड़ा हो। तो भव्यात्मा, चंद्रावती आरिका ने एक छोटा सा नाटक बनाया है, दहेज दो तो ऐसा दो। आज दहेज अभिशाप बन रहा है, इसीलिए मैं अनेक श्रावकों को प्रेरणा दिया करती हूँ कि आप पुत्र पुत्रियों के विवाह में कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य छपाओ, कोई ना कोई पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें छपाओ, उनको बांटो, वितरित करो, कम से कम 100 पुस्तकें ही ले जाओ, और 100 पुस्तकें हैं, चाहे जमुदी पूजांजलि है, चाहे भगवान ऋषभदेव, आदि ब्रह्मा, कोई भी ग्रंथ ले जाओ आप और सबको दो, आगंतुक सब बरातियों को और अपने इष्ट मित्रों को भी दो, साथ ही कन्या को विवाह के समय, विदा करते समय कन्या को दहेज में एक ग्रंथ अवश्य दो, और देवते पद्मनंदी पंचमशत का अथवा जैन भारती आदि कोई भी ग्रंथ अवश्य दो, उसे अच्छे संस्कार बनेंगे। तो भव्यात्माओं, सचमुच में जहाँ मंगलाचरण में भगवान ऋषभदेव को नमस्कार किया है, ये मंगलाचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयति जिनपतिर नाविनु सूनुर महात्मा, नावि सूनु, नावि राजा के पुत्र भगवान ऋषभदेव, महात्मा महापुरुष जो महामुनि हुए हैं, जिन पति ही तीर्थंकर भगवान, सभी जिन के पति, जयति जयशील हो, में कैसे वो तो किस अवस्था में उन्हें नमस्कार किया है, बहुत ही सुंदर ध्यान अवस्था में उन्हें नमस्कार किया है। कायोत्सर्गाय तांगो, कायोत्सर्ग से दोनों हाथ लटका करके, दोनों पैरों को 4 अंगुल अलग से रख करके जो खड़े हुए, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े भगवान ऋषभदेव ध्यान में लीन हैं, उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर
खींचा है आचार्य श्री पद्मनंदी ने, कायो सर्गाय तांगो, कायो सर्ग से जो खड़े हैं। मध्यान्ह यस्य भास्वान उपरि परिगतो राजते स्मोग्र मूर्ति ही। मध्यान्ह काल में दिन के ऊपर सूर्य ठीक ऊपर आ जाता है, मस्तक के ऊपर सूर्य मध्यान्ह काल में। तो मध्यान्ह यस्य भास्वान उपरि परिगतो राजते स्मोग्र मूर्ति, उग्र मूर्ति सूर्य कैसा कैसा शोभायमान होता है कि जैसे कि मानो चक्रम कर्मे धना नाम अति बहु दहतो दूर मौदा शिवात स्फूर्यत सध्यान बंधे रिव रुचिर तरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। ऐसा लगता है कि भगवान, वो सूर्य कैसा लगता है, भगवान जब ध्यान में खड़े हैं मध्यान्ह में, वो सूर्य कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कर्म रूपी ईंधन को जला रहे हैं भगवान, कौन सी अग्नि के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भगवान जला रहे हैं और उसमें से तिरंगे निकल रहे हैं, स्फुलिंगे फुलिंगे निकल रहे हैं, चिंगारियाँ निकल रही हैं, उसमें से उछल करके एक फुलिंगा, एक तिरंगा, एक जो है चिंगारी उछल करके ऊपर बीच में आ गई। ऐसा लगता है कि भगवान ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जो कर्म रूपी ईंधन को जला रहे हैं, तो जो चिंगारियाँ निकल रही हैं उसमें से ही ये सूर्य एक चिंगारी है, ऐसी कल्पना कर रहे हैं आचार्य श्री पद्मनंदी भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान ध्यान में लीन है। भगवान ऋषभदेव ध्यान में खड़े हैं निर्जन वन में, कहाँ, प्रयाग में, उद्यान में। भगवान ने वटवृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी, 6 महीने का योग लेकर भगवान ध्यान में खड़े हो गए। तो ध्यान में खड़े भगवान उस समय ऐसी सुंदर कल्पना की है कि ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को जलाते हुए भगवान ने तीर्थंकर ऋषभदेव ने 6 महीने बाद आहार को उठे, लगभग 6 महीने से अधिक निकल गया, 1 वर्ष 39 दिन बाद आहार हुआ हस्तिनापुर में। अनंतर भगवान ने अनेकों बार प्रयाग में और भी अनेकों निर्जन स्थान में ध्यान किया है। 1000 वर्ष बाद पुनः वहीं जाकर ध्यान किया, उसी वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो कल्पना है कवि की, कल्पना है आचार्य श्री पद्मनंदी की कि उन्होंने जिस समय ध्यान किया है, ध्यान रूपी अग्नि से निकलता हुआ स्फुलिंगा, ऐसा लगता है वो सूर्य मध्यान्ह में जो मस्तक पर सूर्य आया तो लगता है वो एक स्फुलिंगा ही है। इस प्रकार ऐसे ध्यानलीन भगवान शबदेव जयशील हो में, उन्हें हमारा एक बार नहीं अनंत बार, अनंत अनंत बार नमस्कार है, नमोस्तु है। भव्यात्माओं ऐसे ऋषभदेव को नमस्कार करो। इसमें इसी माध्यम से प्रथमान योग भी आ गया, क्योंकि ये ऋषभदेव कब हुए, युग की आदि में। कहाँ हुए, अयोध्या में। कहाँ ध्यान किया, प्रयाग में और अनेक निर्जन वनों में। उस ध्यान के फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भव्यात्माओं केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, प्रयाग में, अक्षय वटवृक्ष के नीचे प्रयाग में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मोक्ष कहाँ से गए, कैलाश पर्वत से। तो इतिहास महापुराण आदि ब्रह्मादि पुस्तकें पढ़ करके आप भगवान ऋषभदेव के चरित्र को भी समझेंगे। तो ये पद्मनंदी पंचविंशत का इसका मंगलाचरण मैंने आपको सुनाया है। मैं तो सबसे कहूँगी, सबको प्रेरणा दूंगी कि आप लोग आज से ही नियम कर लें और पद्मनंदी पंचविंशत का अपने मंदिर से लाएँ, कहीं से मंगा लें, ग्रंथालयों से, और प्राप्त करके उसका स्वाध्याय प्रारंभ करें और उसके आनंद का अनुभव करें। उसमें जो आनंद भरा हुआ है, जो अमृत भरा हुआ है, परमानंद रूपी अमृत जो भरा हुआ है, उसका अनुभव करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें, पवित्र करें, सुखी बनाएं और परलोक को भी सुखी बनाएं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में सफल हों। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।